दिन बाहर आके मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाया और जिंदगी का सबसे बड़ा गलती की। हेलो गाइस, वेलकम टू एडोमाइज। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। तो अभी हम हैं दिल्ली में फॉर 24 आवर्स और एक दिन के अंदर हम जितना हो सके दिल्ली घूमेंगे और सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी आपको होटल दिखा देते हैं। फिलहाल पहाड़गंज में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सबसे नियरेस्ट होटल यही होगा। मुझे सबसे बढ़िया लगा इस होटल का एंट्रेंस और रिसेप्शन एरिया। सुबह सुबह एक बार छत पे घूम लेते हैं। तो ये रहा मेरा छत, यहाँ से इतना कुछ देखने को है नहीं। एक बार जिम घूम लेते हैं और जिम हम करते नहीं तो यहाँ पर भी मुझे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए निकले यहाँ पर। और पहाड़गंज के सामने आपको हजारों खाने का दुकान मिल जाएगा, जहाँ पर में से हम एक में आके बैठ गए और ऑर्डर कर दिया आलू का पराठा। तो ये रहा मेरा आलू का पराठा और चना। तो इसका प्राइस हुआ 100 रुपीज़। और सुबह सुबह चाय के बिना तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है। सो प्री प्लान के हिसाब से अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम जा रहे हैं कॉनॉट प्लेस घूमने। तो अभी मैं आ गया हूँ कॉनॉट प्लेस में। और एक चीज़ है, इंडियन फ्लैग अगर कहीं पर आपको दिख जाए ना तो गूज़बम्प तो कंपलसरी है। एनीवेज अभी आपको थोड़ा सा सीपी दिखा देता हूँ। यहाँ पर घूमना स्टार्ट किया तभी फोन आ गया फरहान का। फरहान मेरा भाई है जो अहमदाबाद से आ रहा है उसका दोस्त लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ ही है ये मेरा ट्रिप। लेटर ऑन सबके साथ हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अभी वो लोग दिल्ली में है, ओल्ड दिल्ली में है, जहाँ से वो लोग ऋषिकेश के लिए जाएगा और मैं ऋषिकेश नहीं जा रहा हूँ। सो अभी उन लोगों से जाके मिलते हैं ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद के पास। तो न्यू दिल्ली से मैं आ गया ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद के सामने। यहीं पर आने वाला है फरहान और उसका दोस्त लोग। तो लेट्स वेट हियर और चलिए देखते हैं, थोड़ा अंदर भी जाने का कोशिश करते हैं। तो मैं अभी आ गया हूँ जामा मस्जिद में। तो यहाँ पर आपको पहले जामा मस्जिद का बाहर का कुछ बढ़िया सा व्यू दिखा देते हैं। सो फाइनली फरहान से हम मिल लिए। आधे घंटे में वो यहाँ से निकलने वाला है तो अभी थोड़ा सा मस्जिद घूम लेते हैं। तो चलिए अब सबको अभी जामा मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग प्लान किए कि हम यहाँ का सबसे ऊंचा जो मीनार है वहाँ पर चढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर टिकट मिलता है कि नहीं। अगर आप गेट नंबर 1 से एंटर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपको ये टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। तो टिकट हम लोगों को मिल गया एंड टिकट प्राइस इज 50 रुपीज़ पर हेड। और हम लोग चढ़ने वाले हैं इस मीनार के एकदम टॉप में। सो
लेट्स गो। हम लोगों के पास बैग बहुत ज़्यादा है तो इसलिए एक साथ सब नहीं जाएंगे, क्योंकि बैग लेके उतना ऊपर हम लोग चढ़ नहीं सकेंगे। हम लोग अभी जिस जगह पर है यहाँ से एक बहुत वाइड एक कंप्लीट व्यू मिलता है इस जगह का। हम लोगों को तीनों दोस्त ऊपर चढ़ रहे हैं, वो लोग वापस आएगा तब हम जाएंगे। मेरे पीछे जो ये मीनार आपको दिख रहा है ना, तो इसका एकदम उस टॉप तक हम लोग जाएंगे। सब वापस आ गए तो अभी हम लोगों का बारी है ऊपर जाने का। और भी बहुत सारा सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग जहाँ पर पहुंचे वो था हप रास्ता। व्यू तो यहीं से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, तो एक मिनट बाद फिर से हम लोग चढ़ना चालू किए। एंड फाइनली हम आ गए। सो फाइनली हम लोग उस मीनार के ऊपर पहुंच गए। बहुत लंबा रास्ता था, यहाँ से व्यू अमेजिंग है। मतलब पूरा ओल्ड दिल्ली का 360 व्यू यहाँ से मिलेगा आपको। और हवा हो क्या हवा है। उसके बाद सीढ़ी काउंट करते करते हम लोग चले गए नीचे, और बीच में हम भूल गए कि कितना सीढ़ी था। देन एज अ मेमोरी ऑफ दिस प्लेस हम लोग यहाँ पर कुछ फोटोज खींचे, और उसके बाद फरहान और बाकी सब चला गया ऋषिकेश के लिए। तो जैसे कि आपने देखा आज हम जामा मस्जिद गए थे, उसके बाद मेरा प्लान था रेड फोर्ट जाने का। रेड फोर्ट हम ऑलरेडी जा चुके हैं एक बार, लेकिन ब्लॉग नहीं बना रहे। बट आज का रेड फोर्ट जाने का प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में मेरा प्लान था पूरा रेस्ट लेने के लिए। एक दिन यहाँ पर रेस्ट होगा, उसके बाद जर्नी स्टार्ट होगा जब, तब कोई दिक्कत ना हो इसलिए। शाम को थोड़ा मार्केट्स घूमेंगे, कुछ खाएंगे, तो दैट इज ऑल। एंड देन टुमारो एट 2 PM हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन से जाएंगे हरिद्वार। बाकी सब कुछ आपको ब्लॉग में जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने। होटल का रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। रेस्टोरेंट एकदम खाली है, किचन नीचे, वहाँ से खाना ला के आपको यहाँ पर सर्व कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी आपको खाना वो लोग सर्व कर सकते हैं। एक चीज़ है, यहाँ का खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, और ये मेरा बजट ट्रिप है तो हम यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स गो आउटसाइड टू हैव सम लंच। देन बाहर आके मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, और जिंदगी का सबसे बड़ा गलती की। स्टेशन के पास जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर ही है ये रेस्टोरेंट। हम एक थाली मांगा था और ये सब खाना हमको दे के गया एज अ थाली। देन लेटर ऑन खाने के बाद चार्ज किया एक एक प्लेट के लिए 250-300 रुपया करके। और नेवर रिकमेंड के स्टेशन के ऊपर जो सब खाने का रेस्टोरेंट है वहाँ पर आप कभी खाना खाए, क्योंकि मेरा 150 रुपये का थाली के लिए लगा 750 रुपया, जिस पैसे से होटल में रह के हम बहुत सारा खाना खा सकते थे। और यहाँ पर हम नए हैं इसलिए ज़्यादा झमेला नहीं किए, क्योंकि ट्रिप से पहले मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। जो हो गया सो हो गया। उसके बाद ही मैं नोटिस किया कि उसके पीछे ही एक गली है जहाँ पर खाना बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा भी है। एनीवेज अभी आपसे शाम को मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट की तरफ। जाते जाते रास्ते में मुझे बढ़िया 4-व्हील ड्राइव कार देखने को मिला। मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा कार है। अभी हम जिस जगह पर है इसका नाम है पाली का बाजार, और यहाँ पर विंटर क्लोथ भरा हुआ है और प्राइस है बहुत ही सस्ता। केदारकंठा के लिए मेरा विंटर जैकेट था, बट स्टिल प्राइस इतना कम है कि मुझे फिर से और एक खरीदना पड़ा। अभी मैं हूँ जनपद मार्केट में, और यहाँ पर प्राइस इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि लग रहा है कि पूरा मार्केट ही खरीद लूँ। भैया पर 99 में जैकेट्स मिल रहा है। मैं इतना कुछ खरीद के ट्रिप पे नहीं जा सकूंगा, इसलिए कुछ नहीं खरीद रहा हूँ। और क्लोथ छोड़ के भी यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिलता है।
सो मार्केट में बहुत घूम लिए और एक जैकेट भी ले लिया। तो अभी यहाँ का काम खत्म, अभी चलते हैं डायरेक्ट होटल में। तो अभी मैं इस गली में आया हूँ जहाँ पर खाने का बहुत सारा दुकान है। यहाँ का सभी दुकानें बहुत सस्ता है, तो यहीं से हम डिनर लेके चले गए होटल में। और मेरा होटल है मेन बाजार के एकदम सामने ही, तो ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। मैं अपना डिनर लेके चला आया यहाँ पर, तो डिनर काफ़ी सस्ते में मिल गया। जो गली हम आपको दिखाए उस गली में बहुत सारा खाने का दुकान है जो काफ़ी सस्ता है, चीप रेट में थाली मिल जाता है, रोटी वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा। तो वहीं से हम लोग डिनर कर लिए। आई विश के लंच के टाइम वो गली में हम लोग घुस जाते एक बार। कोई नहीं, तो अभी करेंगे डिनर। खाने के टाइम माँ भाभी ने मिल के बहुत सारा रोटी और चिकन बना कर दिया था। रोटी तो ख़त्म नहीं हुआ, चिकन भी खत्म नहीं हुआ, तो चिकन आज डिनर के हिसाब से खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। तो आज दिल्ली में मेरा लास्ट डे है। 2 बजे हम लोगों का ट्रेन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरिद्वार तक। आज ब्रेकफास्ट करेंगे, पूरा मेस्टअप्ड है रूम, तो सब कुछ अरेंज करके बैग में पैक करके फिर से स्टेशन के लिए जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में खुद बना लिया कॉफ़ी और मम्मी का दिया हुआ केक। तो ये है बस। Set to leave now. It's almost 2. The reporting time is 2 and the train is at 3:20. So I'm just leaving. Station is just 5 minutes away from here. So let's go. So I'm checking out from the Hotel Gold Regency. So it was a quite nice experience with this hotel. So right now I'm going to station. Let's go. होटल से चेकआउट करके एक बढ़िया सा थाली हमने लंच कर लिया। तो अभी मैं आ गया हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और मैं खड़ा हूँ अपना ट्रेन के पास ही। एंड आई एम वेटिंग फॉर द इनविंसिबल मेंबर्स टू कम। और ये है देहरादून न्यू दिल्ली का ट्रेन। इनविंसिबल एक अहमदाबाद बेस्ड एनजीओ है जिसके साथ हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं। दे आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस केदारकंठ ट्रिप और यही से दिल्ली से शुरू होता है उन लोगों के साथ मेरा ट्रिप आज से। ट्रिप खत्म होने के बाद हम एक डिटेल रिव्यू देंगे उन लोगों के बारे में, तब तक के लिए अभी जाते हैं ट्रेन में। तो मुझे अपना सीट मिल गया, तो यहीं से हम लोग जाएंगे हरिद्वार और हरिद्वार अराउंड 8 PM तक हम लोग पहुंच जाएंगे। सो गाइस, यहीं पर ख़त्म करते हैं मेरा केदारकंठ का पार्ट 2, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में छोड़ेगा एक ट्रेन और आज हम पहुंचेंगे हरिद्वार और हरिद्वार से ही मेरा प्रॉपर केदारकंठ का ब्लॉग स्टार्ट होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू राइडो माइल्स। नेक्स्ट वीक आने वाला है मेरा पार्ट 3 जहां से शुरू होगा प्रॉपर केदारकंठ का ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू राइडो माइल्स।